जो हम लोगों का विषय है वो अर्थशास्त्र का है। अर्थशास्त्र में देख रहे हम लोग कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत, जिन पे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। यह प्रश्न ऐसा है कि आपको एग्जाम में एकदम सीरियस सेकंड आएगा कि कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत क्या है, उसको स्पष्ट करें। औसत लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध है, उसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। आज का इस वीडियो में हम लोग कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत को बारीकी से समझेंगे, वक्र के माध्यम से भी इसको समझने का प्रयास करेंगे, एक चार्ट के द्वारा भी इसको समझने का प्रयास करेंगे कि वो चार्ट जो है कैसे काम करता है, कैसे हम औसत लागत निकाल सकते हैं, कैसे हम सीमांत लागत निकालेंगे, कैसे हमारा कुल लागत का पता चलेगा। इन सारी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज लाएंगे। और ये जो भी झारखंड बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं, जो इस बार 12th क्लास करेंगे, उन सारे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। बस आपको एक ही काम करना है कि आप वीडियो को बारीकी से देखें और समझने का प्रयास करें। हम लोग अपने विषय वस्तु पे आते हैं। आप देख पा रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पर कि कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत, ये तीन चीज जो हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कुल लागत। कुल लागत क्या है? तो कुल लागत क्या बोल सकते हैं, कुल लागत से तात्पर्य किसी वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल व्यय से है। आप जितना रुपया लगाते हैं किसी भी वस्तु के उत्पादन में, तो वही आपका कुल लागत हो जाएगा। एक हम लोग पढ़े हैं कुल उत्पादन, वो अलग हो गया, लेकिन यहां पढ़े हैं कुल लागत, कुल कितना उत्पादन होता था उसके बारे में था, और यहां पर कुल लागत यानी जो हमारा लग रहा है उस पर। ठीक है, कुल लागत को हम लोग याद है आपको, हम लोग इसको टीसी कह सकते हैं, टोटल कॉस्ट कह सकते हैं। तो यहां पर अर्थात उत्पादन की सभी इकाइयों के लिए किए गए सभी खर्चों का योग कुल लागत है। एकदम स्पष्ट बताया गया कि उत्पादन की सभी इकाई पर आप उत्पादन का जितना भी इकाई का प्रयोग कीजिएगा, उस पर किए गए सभी खर्चों का योग जो होगा कुल लागत हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 6 वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो पहली वस्तु पर जो होगा, दूसरी वस्तु पे जो होगा, तीसरी वस्तु पे, चौथी वस्तु, पांचवी वस्तु, छठी वस्तु, इन सारी वस्तु पर जो मेरा खर्च गिरेगा इन सबों को जोड़ देंगे, वही आपका कुल लागत होगा। परिवार सब स्पष्ट है, कुल लागत से तात्पर्य किसी वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल व्यय से है। अब सवाल यह उठता है कि आपसे एमसीक्यू में प्रश्न क्या करेगा, तो आपसे कर सकता है कि कुल लागत का फॉर्मूला क्या है, कुल लागत कैसे निकाला जाता है, कुल लागत इनमें से कौन है। तो ऑप्शन में रहेगा टीसी का टू टीएफसी प्लस टीबीसी, ऑप्शन में फिर डालेगा टीसी का टू टीएफसी माइनस टीबीसी, मतलब इस तरह से विकल्प आपको देगा। तो आपको तो दिमाग में चलाना है कि टोटल कॉस्ट, टीसी मतलब टोटल कॉस्ट, इसका टू टीएफसी क्या हो जाएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टीएफसी क्या हो जाएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप जरूर अपने कॉपी पे इसको नोट कर लीजिएगा। प्लस टीबीसी मतलब होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जहां पे कहना क्या चाहता है कि कुल लागत बराबर कुल फिक्स मूल्य जो पहले से फिक्स रहता है। कि मान लीजिए कि अगर एक कलम बना रहे हैं तो इसमें 15 रुपए तो लगेगा, ये मेरा फिक्स है, तो दूसरे वस्तु पे क्या लगेगा, 15 ही लगेगा ना, वो नहीं बदलता है। याद रखिएगा कभी भी आपका टीएफसी नहीं बदलता है, जब भी बदलेगा टीबीसी बदलेगा, क्योंकि उसका नाम ही है क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसमें उतार चढ़ाव होते रहेगा। अब कोई कच्चा वस्तु का मांग घट गया बढ़ गया तो उसके हिसाब से यहां पे परिवर्तन आएगा, यानी आपके पास एक फॉर्मूला है टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीबीसी। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू उठाने के लिए, आप यहां से उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं औसत लागत पर। औसत लागत क्या है, औसत लागत, अब औसत लागत को पहले एकदम बेसिक चीजों में समझने का प्रयास कीजिए। औसत लागत मतलब हो गया कि सपोज मान लीजिए कि कोई वस्तु केंद्र में 5 है, ठीक है। अब इसे ये देखिए, इस तरह का हम गणना निकाल देते हैं। अब यहां बताता है +2, कोई भी अंक में 2 ज्यादा, फिर बोलता है यहाँ पे +3, फिर यहां बोलता है -2, और यहां बोलता भी है -3, ठीक है। अगर इस तरह का रेशियो बनता है तो आपको औसत में बताएगा। कैसे औसत में बताएगा, थोड़ा इसको फिर से समझते हैं, ये शायद आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा जो हम समझाना चाह रहे हैं। अब इसको आप इस तरीका समझिए तब ये समझ में आएगा। जैसे औसत में मान लीजिए कि कोई कंपनी जो है, या हाँ कोई कंपनी जो है सोमवार को
मंडे को दो वस्तु का उत्पादन किया, ट्यूजडे को जो है तीन वस्तु का किया, फिर मान लीजिए वेडनेसडे को वो पांच वस्तु का उत्पादन किया, और फिर मान लीजिए थर्सडे जो है छह वस्तु का उत्पादन किया। अब इसका औसत बताइए। अब इसका औसत बताने के लिए आपको करना क्या होता है कि जो कुल उत्पादन है इसको आप जोड़ दीजिए, ठीक है। कुल उत्पादन आपका 16 हो गया। अब 16 जब हो गया, दो तीन पांच छह जोड़िए, दो तीन पांच, पांच पांच दस, दस छह 16 हो गया। अब बात यह हुआ ना कि कितने दिनों में उत्पादन किया, तो चार दिन में। तो अब चार से इसको डिवाइड कीजिए तो आपका जाएगा चार। यानी अगर बोला जाए कि किसी कंपनी के द्वारा प्रतिदिन का औसत एवरेज क्या था, तो औसत एवरेज आपका चार था। तो चार कैसे होगा, अब हम वो जो गोला आपको सर्कल बनाए थे अब समझ में आपको आ जाएगा। अब देखिए कैसे ये चार हुआ, ठीक है। औसत एवरेज मेरा चार है, पहला जो है वो दो है, तो चार से कितना अधिक है। तब बोल रहे सर दो कम है, बिल्कुल दो कम है। तीन जो है वो चार से कितना अधिक है, तो आप बोल रहे सर नहीं कम है, तो ठीक है कितना कम है, तो माइनस से कम है। अब हम बोल रहे हैं कि ये पांच जो है चार से कितना अधिक है, तो आप बोल रहे हैं प्लस एक है, प्लस एक है, ठीक है। अब हम पूछ रहे कि छह जो है वो चार से कितना अधिक है, तो आप बोल रहे सर दो अधिक है, हाँ बिल्कुल दो अधिक है। अब ध्यान दीजिएगा ये माइनस ये प्लस खत्म, ये प्लस ये माइनस खत्म, एवरेज में चार आ गया ना आपका, ये आपका औसत लागत था। इस प्रकार से हम औसत लागत निकालते हैं। अब थोड़ा सा परिभाषा को पढ़ते हैं। ये तो बेसिक चीज हो गया जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, लेकिन इसकी परिभाषा क्या कहता है कि यदि कुल लागत में उत्पादित इकाइयों की कुल संख्या से भाग दे दिया जाए तो औसत लागत प्राप्त होता है। यानी जो चीजों को हम बताने का प्रयास किए वही आपको एकदम परिभाषा में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या, यदि कुल लागत में, कुल लागत में, कुल लागत हमारा कितना 16, कुल लागत में उत्पादित इकाइयों की, इकाई कितना हुआ एक दो तीन चार, चार इकाई था यानी चार दिन में हम किए हैं, तो चार इकाइयों की कुल संख्या, जो कुल संख्या 16 है उससे भाग दे दिया जाए, यानी 16 में चार से भाग दे दिया जाए तो औसत लागत प्राप्त होता है। यानी जो चार आया मेरा ये क्या हो जाएगा, औसत बोले तो एवरेज कॉस्ट, ये मेरा चार जो क्या निकला इससे निकला। अब सवाल आपसे पूछेगा क्या कि औसत लागत निकालने का इनमें से सही फॉर्मूला क्या है, तो आप सब बोल देगा एसी इक्वल टू टीसी बाय क्यू। क्या बोलेगा, एसी यानी एवरेज कॉस्ट इक्वल टू टीसी टोटल कॉस्ट बटा क्यू पर क्वांटिटी, आप पर कितना संख्या लगा इसको आप निकाल दीजिएगा तो आपका औसत लागत आ जाएगा। चलिए अब हमारा तीसरा था सीमांत लागत। अब सीमांत लागत और औसत लागत में संबंध भी होता है, ये पहले ही आपको हम बता चुके थे। फिलहाल अभी हम लोगों का पहला टारगेट होगा, पहले हम लोग सीमांत लागत को समझ लेते हैं। सीमांत लागत होता क्या है, सीमांत किसको कहेंगे, सीमांत लागत उसको कहते हैं कि जब किसी वस्तु के उत्पादन में अतिरिक्त इकाई एक्स्ट्रा जो काम करते हैं आप, एक्स्ट्रा जो लगाते हैं वही आपका सीमांत होता है। एकदम इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अब थोड़ा परिभाषा को पढ़ते हैं। एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने में किए गए व्यय को, परिभाषा पढ़िएगा सीधा से नहीं समझ में आएगा, लेकिन पहले तो आपको परिभाषा लिखना होगा ना, तो आप क्या लिखिएगा परिभाषा में, तो परिभाषा भी जो कंटेंट दिए हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे बढ़िया भी आप बना के लिख सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है, जो हम लिखते हैं वही सही है, जो कहना चाहते हैं वो आपको कॉपी में लिख देना है। अगर ऐसा कर देते आप तो बिल्कुल आपका कंटेंट सही हो जाएगा। एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन उत्पादन करने में किए गए व्यय को सीमांत लागत कहते हैं, अर्थात उत्पादित इकाई में वृद्धि होने से, उत्पादित जो इकाई होगा उसमें अगर वृद्धि होने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। अब मानिए मेरा बात समझिए, जैसे मान लीजिए कि पांचवा पांच वस्तु का उत्पादन 50 लगा और छठा वस्तु का उत्पादन किया तो 56 लगा, छप्पन लगा, छठा वस्तु का जब उत्पादन किया तो 56 लगा, तो 56 में 50 गया तो 6, ये जो 6 रुपया निकला यही आपका सीमांत लागत हो गया, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा यानी 50 रुपया यहां तक तो लगा था ना, छठा में मेरे 56 रुपए खर्चा हो गया, तो एक्स्ट्रा हम छठा वस्तु को प्राप्त करने के लिए कितना खर्च किए, तो हम 6 रुपए खर्च किए और जो खर्च हुआ वो आपका सीमांत लागत हो गया। अब सवाल यह उठता है कि सीमांत लागत
का अगर फॉर्मूला को देगा सेकंड एमसीक्यू में आता है, थर्ड एमसीक्यू यहां से आएगा आपका कि एमसी बराबर टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस वन या एमसी इक्वल टू लैम्डा टीसी बाय लैम्डा क्यू। अब यहां पर चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, जैसे देखिए एमसी निकालना औसत मार्जिनल कॉस्ट आपको निकालना है, तो मार्जिनल कॉस्ट को क्या करेंगे टी यानी टोटल हो गया कंटेंट नंबर, टोटल जो कंटेंट नंबर होगा हमारा उसमें माइनस वन कर देंगे। अब इसको देखिए अभी अभी आपको हम समझाएं, सपोज मान लीजिए कि मेरा टीसीएन मान लीजिए 56 था और हम जो इसके पहले जो वस्तु का उत्पादन किए थे उसमें क्या किए थे 50 रुपया, तो अब इससे जो निकल के मेरा आया 6 रुपया, ये मेरा क्या हुआ एमसीओ का मार्जिनल कॉस्ट हो गया। अब इसको देखिए इसको जो है इस तरीका से यहां से भी निकाल सकते हैं, लैम्डा जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा प्रचलित फॉर्मूला है, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, हो सकता है कि आपसे ये ना पूछे लेकिन ये जरूर पूछेगा, मैंने संभावना है पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। और देखिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, अब एक एक चीजों को हम लोग एक आपके लिए हम लोग पाई चार्ट बना दिए हैं, लागत सारणी चार्ट बनाया है, लागत सारणी से हम चाहेंगे कि इसको आपको दम क्लियर कर दे समझा दे कैसे निकलता है, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में आपको लागत सारणी दे दिया जाएगा और बोलेगा इसे सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा हमारे पास सारी चीजों को लिखना पड़ता है तो मिटाना जगह का अभाव जिसके चलते हम लोग इसको छोटा सा ब्रैकेट में बनाने का प्रयास किए हैं। अगर नहीं दिख रहा हो तो आप जूम कर ले, जूम करके देख ले, या फिर उसके बावजूद भी समस्या आ रहा है तो कृपया आप मेरे द्वारा जो बोला जा रहा है आप उसको नोट कर ले, आप खुद से अपनी कॉपी पर सारणी बना ले, उसके बाद आप उस पर ध्यान दें। देखिए एक बार हम पूरा पढ़ देते हैं, आप जरूरत हो तो आप लिख सकते हैं, लागत सारणी यहां पर क्वांटिटी रखिए, फिक्स कॉस्ट रखिए, वेरिएबल कॉस्ट रखिए, टोटल कॉस्ट रखिए, एवरेज कॉस्ट रखिए और मार्जिनल कॉस्ट रखिए। आपको कितना लाइन खींचना है 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन को आप रेडी कर लीजिए, बोलते बोलते आप लाइन जरूर रेडी कर लेंगे अगर आपको जरूरत है तो, और नहीं होगा तो आप सुनिए केवल। अब क्वांटिटी में देखिए 1 2 3 4 5 6 हम क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, पहले हम एक क्वांटिटी बढ़ाए फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा फिर छठा, तो 6 हम लोग क्वांटिटी इसमें ले लिए। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फिक्स कॉस्ट जो है, फिक्स कॉस्ट क्या है हम पहले ही आपको बोले थे कि बदलता नहीं है, फिक्स कॉस्ट जो है बदलता नहीं है, फिक्स कॉस्ट बदलता नहीं मतलब वो दम जो शुरू में जिस वस्तु का पहला वस्तु का उत्पादन में जो रहेगा वही मेरा छठा वस्तु तक में चलेगा, देखिए 30 30 30 30 30 ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए दूसरा वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या है पहला 10 रुपया 42 रुपया 66 रुपया 82 रुपया 100 रुपया 150, यानी ये धीरे धीरे वेरिएबल क्या हुआ बढ़ते चला गया। अब आ जाइए टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या रहता, देखिए 40, कैसे 40 हो गया थोड़ा समझिए, 30 और 10 टीसी निकालेंगे क्या बताए थे, देखिए फॉर्मूला को थोड़ा समझिए, आप फॉर्मूला जब समझ जाइएगा ना तो मेरा ये बनाया हुआ जो लागत सारणी है वो सफल हो जाएगा। देखिए यह टीसी है तो हमको टीसी ज्ञात करना है, एक मिनट पेन को कोशिश करते हैं चेंज करते हैं, यहाँ पे टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीबीसी है। अब हम टीसी निकालने के लिए देखिए ध्यान दीजिएगा, टीसी निकालने के लिए हम क्या करें टीएफसी, टीएफसी फिक्स कॉस्ट मेरा कितना है 30 रुपया, ठीक है, प्लस करने बोलता है टीबीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये कितना मेरा 10 रुपया ले लिए, अब दोनों को ऐड करते तो कितना था 40, ये मेरा क्या हुआ टीसी, देखिए आप टीसी निकल गया ना 40, उसी तरीका से 30 और 40 को जोड़ दिए 72, फिर आप 30 और 66 को जोड़ दिए तो 96, 30 और 82 को जोड़ दिए तो 112, 30 110 को जोड़ दिए 140, 30 और 50 को जोड़ दिए 150 को जोड़ दिए 180 हो गया। आप इसको बारीकी से निकाल लीजिएगा। अब आते हैं एसी में, क्योंकि टीसी को निकाल लिए यानी आपको क्या देगा, आपको जो जब भी निकालने बोलेगा टीसी तो आपके पास तीन चीजों का होना जरूरी है,
पहला तो क्वांटिटी कितना है, फिर फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट ये दोनों रहेगा, तभी आप टीसी निकाल सकते हैं। फिर आप हाँ ये भी हो सकता है कि एसी दिया रहेगा तो फिर कैसे निकालेंगे उसमें हम लोग आएंगे बाद में। अब देखिए अब एसी निकालना है तो एसी, अब एसी के लिए क्या है टीसी है, टीसी ध्यान दीजिएगा टीसी। अब टीसी क्या है मेरा, टीसी मेरा 40 है पहला, ठीक है। अब इसमें क्वांटिटी देना है तो 40 का मैं पहला का ना, तो पहला बैठा दिया तो क्या निकला पहला एसी मेरा 40 आ गया, आ गया बिल्कुल। और देखिए दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा जब काम कर रहे हैं तो 72 है, अब यहां देखिए टोटल कॉस्ट आपका 72 है, 72 लिख दिए, क्वांटिटी 2 है ये दूसरा का ना, ये दूसरा का 72 है तो 2 से डिवाइड कर दिए 36 आ गया। अब तीसरा के लिए चलते हैं, तीसरा क्वांटिटी में क्या है, तीसरा में 96 है, 96 डाल दिए उसको 3 बोल रहे हैं तो 3 से भागा दीजिए तो 3 के 9 3 दूनी 6 32 आएगा। आप देख पा रहे होंगे एसी में आपका यहाँ 32 आया होगा, यानी बिल्कुल आपका फॉर्मूला काम कर रहा है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है, आराम से इसे निकाल रहे हैं। अब आपको कुल लागत औसत लागत पढ़ने में मजा आ रहा होगा, आपको सारी चीज समझ में आ रही होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं सीमांत लागत की ओर, सीमांत लागत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये किस फॉर्मूला में काम करता थोड़ा इसको समझिए, एमसी बराबर टीसीए माइनस टीसीए माइनस वन, या एमसी बराबर लैम्डा टीसी बाय लैम्डा क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं या क्या समझते हैं, टीसीए मार्जिनल कॉस्ट निकालेगा हमको क्या करना है, टीसीएन में चलना है, टीसीएन बोले तो कहां चले जाएंगे, पहले टोटल कॉस्ट में आएंगे माइनस टीसी वन माइनस वन, ठीक है। थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं, देखिए पहले इसको हम लोग एमसी बराबर इसको देखते हैं त्रिभुज टीसी बटा त्रिभुज लैम्डा है ना, त्रिभुज क्वांटिटी। अब यहाँ पे त्रिभुज टीसी मेरा क्या है, वो मेरा है टीसी यहाँ पे 40, 40 को रखे क्वांटिटी मेरा 1 है, इससे डिवाइड कर दिए तो मेरा मार्जिन 40 आ गया, ठीक है। अब दूसरा को देखते हैं, दूसरा में आपका है टीसी 72, 72 लेते हैं, फिर ध्यान दीजिएगा छह पच्चीस ग्यारह छह पंद्रह तीन अठारह छह पच्चीस ग्यारह छह पंद्रह तीन अठारह बीस इक्कीस पहले जो फॉर्मूला था हम लोग सीमांत लागत का उसको देखते हैं निकालने का इसका क्या तरीका है, क्योंकि ये आपका एग्जाम में सबसे अधिक बार पूछा गया है, ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए सीमांत लागत जो निकाला जाता है एमसी बराबर टीसीए माइनस टीसीए माइनस वन, ठीक है। अभी निकलता है कैसे तो इसको समझिए थोड़ा सा, टीसीए जो है मेरा मान लीजिए जैसे यहाँ पे आप देख रहे मार्जिन 40 32 है, तो आप 32 इसको अगर निकालना है आप कैसे इसको 32 निकाल रहे हैं इसको थोड़ा समझिए। अब सीधा सीधे क्या कीजिए कि जो यहाँ पे दूसरा घर होगा उसको लीजिएगा और इसको एक पहले का, तो आप क्या कीजिएगा 72 72 को लीजिए, उसके बाद आपका क्या किसी वन ऊपर वाला को ले लीजिए 40। अब इसको माइनस कीजिए तो क्या आएगा आपका 32 आएगा, उसी तरह से आप दूसरा ले सकते हैं, यानी अभी 96 लीजिए फिर माइनस 72 कर दीजिए, 96 72 घटाइएगा 6 में से 2 गया 4 और 9 में से 7 गया 2 24। अब 72 32 और 24 देख पा रहे हैं, 32 और 24 सबसे ज्यादा बार परीक्षा में पूछा गया ये फॉर्मूला को सूत्र को, आप इसे बहुत ध्यान में रखिएगा। और इसको अगर निकालना है एमसी इक्वल टू लैम्डा टीसी बाय लैम्डा क्यू अगर निकालना होगा आपको, तो आपको उसके लिए फिर से इसको पूरा ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने के बाद उसको डिवाइड करना, वो बहुत लंबा आपका प्रक्रिया में चला जाएगा, तो इस प्रक्रिया से बचने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके पास समय का अभाव होता है, 3 घंटा में ही सारा काम कीजिएगा, ठीक है। आप देखते हैं इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, कुल लागत औसत लागत और सीमांत लागत का जो परिभाषा था जो निकालने का तरीका था उसको बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किए हैं। हम लोगों का काम होता है कि बच्चों को कम से कम एग्जाम में कम समय में अधिक नंबर कैसे उठा सके उस पर हमारा फोकस होता है, हम लोग किसी किताब के पीछे नहीं भाग रहे कि किताब को पूरा छपवा दे आपको,
मेरा वोट भी बढ़ जाएगा और कंटेंट भी बढ़ जाएगा। कंटेंट नहीं ना बढ़ाना है, ये आपको नंबर दिलाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, एक आपके वक्र का हम लोग व्यवस्था किए हैं, आप वक्र को थोड़ा समझ लीजिए और उसके बाद आपको फिर हम औसत लागत सीमांत लागत का जो संबंध है वो आपको बता देंगे। पहले थोड़ा सा छोटा सा समय लगेगा आपका, 5 से 2 मिनट का, आप इसको समझिए। यहाँ पे देखिए, एक हम वक्र बनाया हुआ है, वक्र जब बनाइएगा तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि हम जो इकाई होता है या जिसको हम लोग क्यू कहते हैं क्वांटिटी, उसको यहाँ पे दीजिएगा। अब इकाई और क्वांटिटी यहाँ पे दे दिए, अब यहाँ पे इकाई और क्वांटिटी जब दे देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे लागत हो जाएगा आपका, लागत हो जाएगा, ठीक है, कॉस्ट हो जाएगा, ये कॉस्ट का लाइन हो जाएगा और ये क्वांटिटी का लाइन हो जाएगा। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, 3 चीज हम लोग पढ़े, कुल लागत, औसत लागत, सीमांत लागत। कुल लागत को क्या बोले, कुल लागत को हम लोग पीसी बोले हैं, औसत लागत को हम लोग एसी बोले हैं और सीमांत लागत को हम लोग एमसी बोले हैं। और ध्यान दीजिएगा कि इसको निकाला कैसे जाता है, कैसे पता चला टीसी के बारे में, टीसी कैसे हम दिखाएंगे इसमें वक्र में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहला देखिए, क्वांटिटी एक जब दिए है तो टीसी मेरा कितना है, 40 है, तो हम पहला घर में जाके 40 को लिए हैं, यहाँ बिंदु किए, यानी जब टीसी का जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, वो हमेशा ऊपर की ओर बनता है। लेकिन जब आपका एसी और एमसी का ग्राफ बनेगा वो आपका थोड़ा सा यू आकार का बनेगा, या कह दीजिए आपकी यू बनेगा ही, यू होगा ही एसी। इसीलिए हम आपको बोले कि इन दोनों के बीच का संबंध भी हमको समझना पड़ेगा, संबंध समझना जरूरत है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, दूसरा अगर हम लेते हैं, दूसरी इकाई को लेते हैं, तो इसका क्या बता रहा है आपका टीसी, बता रहा 72। अब यहाँ दूसरा से चले जाएंगे सीधे 72 पे, इसी प्रकार से बढ़ते हुए जाएंगे ऊपर की ओर, जो लाइन वो मेरा टीसी हो गया, टोटल कॉस्ट को दिखाया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना एसी की ओर, एसी जो है पहला वो 40 है, पहला 40 ले लिए क्योंकि तीनों का तो 40 ही है ना, 40 40, तीनों का केंद्र बिंदु तो यही हो जाएगा ना, यही सूटेगा, यही से गिरेगा। तो हमको क्या बोले, आपको पहले बोले ना यू का कारण बनेगा, देखिए इस तरह से जा रहा है, ठीक है, कभी छोटा उठेगा, कभी पूरा उठेगा, कभी पूरा गिर जाएगा। ये एसी और एमसी में जो है वो आपस का संबंध भी होता है, आपसे संबंध भी होता है, इसमें हम लोग डिटेल भी चर्चा करेंगे। अब यहाँ एसी में भी ध्यान दीजिएगा, एसी में आपका 40 पर लिए, उसके बाद दूसरा आपका जो है वो 36 है। अब देखिए यहाँ पे 40 से थोड़ा सा नीचे चले गए, वो आपका क्या है, यहाँ 36 आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाना है, वो आप अपना नाक के बनाइएगा। और इस तरह से देखिए आप यहाँ पे एसी आ गया। अब आपके एमसी पे, एमसी में आप देख रहे होंगे पहला जो है वो 40 है यहाँ, दूसरा आपका 32 है, देखिए दूसरा का 32 ले लिए, फिर ये धीरे धीरे ऊपर उठ गया है, ये आपका टीसी एमसी एसी। अभी तक पूरे वीडियो में हम लोग जो है कुल लागत, औसत लागत, सीमांत लागत की परिभाषा निकालने का फॉर्मूला, इन तीनों का सूत्र क्या होता है, और जो आपके लिए लागत सारणी बनाया गया था उस लागत सारणी को निकाल कर दिखाने का प्रयास किया गया, तो जो आपको फॉर्मूला दिया गया उस फॉर्मूला पे बहुत ही सुटेबल तरीका से बैठता है, बजाते आपके तरफ से कोई कमी नहीं हो, कोई गलती ना करे आप। उसके बाद हम लोग क्या किए, हम लोग एक वक्र का प्रयोग किया, वक्र से एसी एमसी और टीसी को समझने का प्रयास किए। टीसी और एमसी जब वक्र का निर्माण करेगा तो यू आकार का वक्र का निर्माण करता है, इसीलिए कहा गया है बार बार इकोनॉमिक्स में आपसे पूछा जाता है औसत लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध है, तो इस पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। औसत लागत, सीमांत लागत और कुल लागत का परिभाषा वक्र और लागत सारणी के माध्यम से हम लोग उसको समझ चुके थे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं सीमांत लागत और औसत लागत में संबंध। सीमांत लागत और औसत लागत में संबंध जो होता है ये आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब सीमांत लागत और औसत लागत में संबंध से हम क्या सीख पाएंगे, जैसे पहला जो पॉइंट है, जब औसत लागत गिरता है तो सीमांत लागत भी गिरती है, लेकिन एमसी जो है यानी मार्जिनल कॉस्ट जिसको हम सीमांत लागत कर रहे हैं वो औसत लागत से नीचे होता है। पहला बिंदु से हम लोग यही समझ पा रहे हैं कि औसत यानी सीमांत लागत जो होगा औसत लागत से नीचे होगा। कैसे होगा, थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम में आपको दिखाया गया क्या कि एमसी जो है यानी मार्जिनल कॉस्ट एसी से नीचे गिरेगा। एसी देखिए आपका एसी एसी से नीचे गिरेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का चीज है,
एसी जो है आपका देखिए यहाँ पे 40 है, 40 से 36 हुआ है, फिर एमसी आपका 40 है, 40 से 32 हुआ है। आप यहाँ भी देख पा रहे हैं कि गिर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड बिंदु जो है वो कहता है कि जब औसत लागत घटकर न्यूनतम हो जाती है तो सीमांत लागत औसत लागत के नीचे से काटती है, अर्थात इस बिंदु में एसी इक्वल टू एमसी होता है। आपसे पूछेगा कि औसत लागत बराबर सीमांत लागत कब होता है, तो आप बताइएगा कि जब औसत लागत घटकर न्यूनतम हो जाएगा, जब न्यूनतम का स्थिति में आएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको आप समझ सकते हैं, यह डायग्राम देखिए, एसी बराबर एमसी, यहाँ क्या हो रहा है, घटकर न्यूनतम हो जाता है। जब ये घटकर न्यूनतम हुआ तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बराबर बराबर हुआ है। अब देखिए यहाँ पे नमस्पष्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब आगे बोलता है, यानी सेकंड पोजिशन में क्या सीखे कि औसत लागत सीमांत लागत के बराबर हो जाएगा, किस कंडीशन में, जब न्यूनतम हो जाएगा, औसत लागत घटकर न्यूनतम हो जाएगा, उस स्थिति में एसी बराबर एमसी होता है। अगला जो पॉइंट आपका तीसरा, उसमें कहता है कि जब औसत लागत बढ़ने लगती है तो सीमांत लागत भी बढ़ती है, लेकिन एमसी जो है एसी से ऊपर ज्यादा होती है, एमसी जो होगा एमसी जो है एसी से ऊपर ज्यादा होगा, एसी से ज्यादा ऊपर एमसी होगा। अब देख पा रहे हैं एसी से ज्यादा ऊपर एमसी होगा। ये तीसरा पॉइंट हमें क्या सिखा रहा कि जब औसत लागत बढ़ेगा तो सीमांत लागत भी बढ़ेगा, और जब दोनों बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, एसी से एमसी जो है वो ज्यादा बढ़ेगा। अगर आपसे पूछे कि एमसी जो है एमसी किससे ज्यादा बढ़ता है, तो आपको बोलेगा औसत लागत से ज्यादा बढ़ेगा। अगर दोनों का लागत बढ़ेगा तो क्या स्थिति उत्पन्न होगा, तो आप बोलिएगा कि औसत लागत से ज्यादा बड़ा सीमांत लागत हो जाएगा। अब यह नोट लिखा हुआ, औसत लागत की अपेक्षा सीमांत लागत तेजी से घटती है और बढ़ती है। अब देख पा रहे औसत लागत की अपेक्षा, औसत लागत आपका यहाँ पे है, सीमांत लागत यहाँ पे 40 है, 36 हुआ, 40 से 32 हुआ, मतलब ये औसत लागत कम घट रहा है, 36 32 4 4 4 का रेंज में आ रहा है। देखिए उसको दिया क्या दिखाया है, 40 40 से 32 32 से सीधे 24 24 से सीधे 16, ठीक है, ये स्थिति उत्पन्न करा रहा है, यानी एकदम स्पष्ट पता चल रहा है। आप सामने देख रहे हो तो आपको एकदम समझ में आ रहा है कि औसत लागत की अपेक्षा में सीमांत लागत तेजी से घटता है। अगर इन दोनों की बात आ जाए कि औसत लागत और सीमांत लागत में ज्यादा तेज कौन घटता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सीमांत लागत, जो आप लागत सारणी है वहां पे देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि औसत लागत की अपेक्षा सीमांत लागत तेजी से घटती है, औसत लागत की अपेक्षा सीमांत लागत देखिए आप तेजी से घटा है, तेजी से घटा और एक सीमा के बाद ये उठा है, और यहाँ पे देखिए ये एकदम ऊपर ऊपर चला था लेकिन लास्ट में नीचे गिरा है, ठीक है। यहाँ पे अब हमको नहीं लगता है कि सीमांत लागत और औसत लागत में संबंध बताने समय आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा, क्योंकि पहला में एकदम स्पष्ट है एमसी जो होगा एसी से नीचे होगा, दूसरा में एसी बराबर एमसी होगा, संबंध की बात होगा तो यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, एमसी जो होगा एसी से ऊपर ज्यादा होगा। अब हम लोग जो है प्रयास करेंगे आपके लिए एक नए वीडियो लाने का, जिसमें आपको एक नए कंटेंट से रूबरू करा सके जो आपके परीक्षा में आ सके। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए, इसमें किसी प्रकार का कोई अगर समस्या लगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बोलें बताएं, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप अपने मित्रों को सहपाठियों को दोस्तों को जरूर भेजें, लाइक करें सब्सक्राइब करें अगर वीडियो समझ में आए तो।